इंडिया गेट के बारे में तो हर कोई जानता है, पर क्या आपने कभी सोचा है इसको कब और क्यों बनाया गया था? आपको बता दें कि इंडिया गेट सन 1921 में बनना शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1931 को बनकर पूरा तैयार हो गया था। और इंडिया गेट को भारत के 70,000 बहादुर सैनिकों के याद में बनाया गया था जो पहले विश्व युद्ध के दौरान ही शहीद हो गए थे। और बता दें कि ये सैनिक पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक थे। और इंडिया गेट पर 13,000 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं, और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इन सब नामों को आप पढ़ भी सकते हैं। और इस इंडिया गेट को भारत का सबसे बड़ा वार मेमोरियल माना जाता है। और आपको बता दें कि पहले इंडिया गेट के नीचे से ट्रैफिक को आने जाने की परमिशन भी मिली थी, फिर बाद में बढ़ती आबादी को देखकर इसे बंद कर दिया गया। और आपको बता दें कि इंडिया गेट की लंबाई 42 मीटर है, यानी कि 138 फीट। और इसके खूबसूरती और मजबूती का राज ये है कि इसे राजस्थान के भरतपुर के फेमस पत्थरों से बनाया गया है। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिया गेट का टोटल एरिया 3,06,000 स्क्वायर मीटर है। और इस परिसर के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है, जिसे राजपथ मार्ग भी कहा जाता है। और इसी राजपथ पर 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पर परेड निकाली जाती है। और इस परेड पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ सेनाओं के कई बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस। और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर